अब आइए देखते हैं 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सोल्यूशन कैसे हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे होगा। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इन फिगर 8.13 फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर। आपको देखिए यहां पे एक दिया होगा ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आपका कितना है 12 है और पी आर जो है 13 है। आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस। क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस हम लोग क्या करने वाले हैं, पी आर स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमको इसका फाइंड आउट करना है तो इसलिए लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहां पे बच्चे पी आर स्क्वायर में से आपको घटाना है पी क्यू स्क्वायर को, ठीक है, इधर से ही लिखते हैं। और यहां पे क्यू आर का वैल्यू आप देख पाओगे, यहां पे आप लिखने वाले हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू आपके पास मौजूद है तो यहां पे आप देख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका होता है 169 और इसका होता है 144। तो आप देख पाओगे यहां पे रूट अंडर 25 होगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग रखना शुरू करेंगे tan p और cot r का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होने वाला है। देखिए tan p के लिए क्या करेंगे, ये हमारा p है तो इसके लिए p ये हो गया और ये हो गया b, तो यानी कि 5/12 हो जाएगा, ठीक है। r के लिए ये वाला r है तो इसके सामने वाला जो होगा p और नीचे वाला b, तो यहां पे माइनस ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 5। आप इसको जिस हिसाब से सोल्व करना चाहते हैं बच्चे सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आप ले लो, कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 होगा ना, और यहाँ पे 5 से करें तो 12, सॉरी ये हो गया 12 और इसका हम लोग लिख सकते हैं कितना 12 × 5 = 60। देखिए माइनस में आ सकता है कुछ होने, तो ये हो गया 12 से करेंगे तो बराबर है 144 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आए इसको लिख देना है, माइनस में है तो कोई टेंशन नहीं है, पी बाई बी ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ से इसको घटा दो, यानी कि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और फिर आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे 13 में से 2 जाएगा तो 11 बच जाएगा, माइनस का आएगा 60 आंसर। तो आप इसको इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट टैन ए एंड कॉस ए, ठीक है, टैन ए और कॉस ए करना है। यहाँ पे ट्राइंगल बनाने का भी जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए बना देता हूँ एक छोटा सा ट्राइंगल जिसमें देख पाएंगे यहाँ पे ए बी सी होता है। आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 यानी कि साइन ए के लिए अगर ये मान लो कि साइन ए है तो यहाँ पे 3 P/H यानी कि 4 ये वाला हो गया 4 के, ठीक है। तो ये हो गया के, क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं क्यों कि यहाँ पे वैल्यूज पता नहीं है, रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हम लोग के मान ले रहे हैं ताकि कोई भी वैल्यू आ सकता है इसमें। तो इस ये हो गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यूज अगर फाइंड आउट करना है तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, शॉर्ट में आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, यानी कि ये 16 में से 16k हो जाएगा स्क्वायर में और माइनस 9k स्क्वायर, 16 में सुन हो जाएगा तो 7 रूट अंडर 7 के स्क्वायर डेट इज रूट अंडर 7 के आ जाएगा,
ठीक है, तो आपका रूट अंडर सेवन के हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बच्चे, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करना है हमको टेन ए ना, तो टेन ए के लिए हमारे पास क्या होता है पी बाई बी, और इसके हिसाब से पी हो गया बी सी और बी हो गया आपका ए बी। तो बी सी कितना निकाले हैं, बी सी हमारे पास है थ्री के और ए बी जो हम निकाले हैं वो हो जाएगा, सॉरी ये होता है, ठीक है ये स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है तो यहाँ पे ए बी कितना है, तो ए बी आपका है रूट अंडर सेवन के, के कैंसल, तो थ्री बाय रूट अंडर सेवन हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट है आपका टेन नहीं है कॉस ए है, क्या है कॉस ए है, तो कॉस ए को लिखते हैं बी बाय एच, और इसके हिसाब से बी क्या है ए के हिसाब से, बी हमारे पास ए बी है और एच हमारे पास ए सी है, तो ए बी कितना है बच्चे, ए बी कितना है, तो ए बी हमारा है रूट अंडर सेवन के और देन आफ्टर यहाँ पे ए सी जो है आपका फोर के है, तो कितना हो गया कट जाएगा के, तो इसका आंसर आपका आने वाला है रूट अंडर सेवन बाय फोर। स्माइल कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, आप इसको अब एक बार मिला लो आंसर से, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताएं और आप भी करेक्ट इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सोल्यूशन तो हो ही जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे फोर की तरफ चलते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए